लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते जी। नमस्ते। आओ कुंदन, कैसे हो? आपके बिजनेस में डूबी हुई 3 लाख की रकम लाया हूं, ये देखिए। कौन सी? अच्छा अच्छा वो। जी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। कुंदन, मैं तो तुम्हारे एहसानों से दबता ही जा रहा हूं। पहले वो गोदाम में जले हुए माल की इंश्योरेंस की रकम वसूल करवा दी, बाद में फैक्ट्री में हड़ताल खत्म करवा दी, और अब ये। ऐसा करो कुंदन, इसमें से आधा हिस्सा तुम रख लो। हिस्सा मैं और आपसे लूं? ना सेठ जी ना। लेकिन सेठ जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और जया। अरे कहो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है कुंदन? मुझे मेरी अंधी लड़की के लिए तुमसे अच्छा लड़का और कहां मिलेगा। शुक्रिया सेठ जी, मगर मगर बेटा, जया बहुत जिद्दी लड़की, वो अपने आप को अंधी नहीं समझती, किसी का सहारा नहीं लेना चाहती, मगर तुम खुद उससे बात कर लो तो। Why not? हेलो जया, तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हारा जीवन साथी बनने का कितना अरमान है। तुम्हें हजारों बार कहा मैंने, मेरी बाहों का सहारा ले लो। चलो जया। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। कार के मालिक आके बंद करके चलते हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी छड़ी भी नजर नहीं आई है, अंधे कहीं। ये लो। थैंक यू। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, तुम अपने आप को बेसहारा ना समझना। कमाल है साहब, इतना होने के बाद इसे अकेला छोड़ रहे हैं। चलिए बहन जी, मैं छोड़ देता हूँ अब। नहीं नहीं भाई साहब, जाने दो उसे अपने। कब तक ये दूसरों के सारे रास्ते पार करती रहेगी, इसे अपने विश्वास पे चलने दो। जया,
ये क्या कर रहे हो राजेश? अब तुम्हें इस छड़ी के सहारे की भी जरूरत नहीं। आ आ आ, आवाज किस तरफ से आती है इसका तुम्हें अंदाजा हो गया। लेकिन मैं सड़क कैसे पार करूंगी? मैं तुम्हारे लिए फोल्डिंग छड़ी लेकर आया, ये लो। लेकिन इसे तुम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना जिस वक्त तुम्हें सड़क पार करनी हो, ठीक है? अब तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे होते हुए ये सब चीजें मेरे लिए बेकार है। अरे बाबा शाम तक शीशा दिखाता रहेगा, चल हट, शाट आने दे। तिताक दिन ता तिताक। मेरा साहब रेडी? हाँ हाँ यार रेडी। यस टेक स्टार्ट एक्शन। जमाना है प्यार का, सुनो दिल वालों, खुशी मिले चाहे कि हम गले से लगाएंगे हम। जमाना है प्यार का, सुनो दिल।
हेलो जया। हेलो। बाजार गई थी? जी। कमाल है, बाजार में पैदल आती जाती हो। क्या तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कोई गाड़ी नहीं दी? बहुत कुछ देने की कोशिश की लेकिन राजेश ने इनकार कर दिया। क्यों? राजेश सिर्फ मुझे चाहता है, मेरे डैडी के धन दौलत गाड़ी और बंगले नहीं। और कुछ पूछना बाकी रह गया है? सॉरी जया, तुमने मेरी हमदर्दी का बुरा मान लिया। हमदर्दी सिर्फ मजबूरों से की जाती है और मैं मजबूर नहीं, वरना राजेश मुझे कभी अकेले घूमने फिरने की इजाजत नहीं देती। चलो जया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मेरा घर नजदीक है और मैं चली जाऊंगी। लेकिन जया मैं। थैंक यू, जाओ, गाड़ी में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। ओके। डार्लिंग, डार्लिंग, ये किसे देख रहे हो? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल, करोड़पति सेठ गोविंदराम की इकलौती और अंधी लड़की, जिसने एक भिखारी को अपना पति बनाया और मुझे ठुकरा दिया। और फिर भी तुम इसे अंधी कह रहे हो? रीटा, अब की बार किसी भी मोड़ पर ये मुझे मिली तो ये सोने की चिड़िया जिंदगी भर मेरे हाथों में फड़फड़ाती रहेगी। सिकंदर के बच्चे, आपकी भाभी आई क्या? क्यों, दिल नहीं लग रहा है? बकवास बंद कर। ठीक है ओके। सिकंदर, ओ सिकंदर, अबे है या मर गया? हूँ तो जिंदा, आप ही ने तो बकवास बंद करने को कहा था, कहो तो खोल दूँ। क्या बकवास करता रहता है? जब शादी नहीं हुई थी तो हर वक्त सिकंदर सिकंदर की रट लगी रहती थी, और जब से भाभी आई है तब से सिकंदर को फ्लॉप पिक्चर की तरह डब्बे के अंदर बंद करके रखा है। नहीं आई भाभी? ए, क्यों लड़ रहा है? मैं लड़ नहीं रहा हूँ भाभी, अंदर जाओ, आपका इंतजार कर रहे हैं। तू जा। थैंक यू वेरी मच, मैं नाश्ता करके आता हूँ। अरे जया, तुम कब आई? बहुत देर हो गई। बताया क्यों नहीं? देख रही थी। क्या? तुम कैसे परेशान होते हो? अच्छा जी, आपको हमें परेशान करने में मजा आता है। रोज सुबह चले जाते हो और रात को देर से आते हो, और मैं दिन भर अकेली लिए रहती हूँ। मेरा ख्याल नहीं रहता? ख्याल नहीं रहे तो दिन कैसे गुजरे? और सरकार, हमारा दिन भी तो आप ही के ख्यालों में गुजरता है। इसका मतलब है आप काम नहीं करते। काम तो मजबूरी में करना पड़ता है सरकार। अगर मैं तोता होता तो मैं दिन रात तुम्हारे पास बैठता, तुमसे बातें करता, तुम्हें देखता, और मैं। अब आप चुपचाप से बैठ के नाश्ता कीजिए। हाँ जी, अब नाश्ता ही करेंगे। और कर भी कह सकते हैं। आई बाबा आई। बाप रे, क्या हुआ? लेट लेट और क्या, तुमने घड़ी पीछे कर रखी है? जी नहीं। जी हाँ, 9:30 बजा रही है और मेरी घड़ी में पूरे 10 बज चुके हैं। पूरे आधे घंटे का नुकसान हो गया। तुम तो हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहते हो। अरे हवा के घोड़े पे ना रहूं तो काम कैसे करूं? जानती हो आजकल कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का। अच्छा स्वीटहार्ट, मैंने प्रिंट्स निकाल कर लटका दिए हैं, जब ये सूख जाए तो इन्हें प्रेशर मशीन में डाल देना। हाँ? अच्छा, और कुछ और? और नहीं। आज शाम को जल्दी आओगे? क्यों? ओफो, फिर क्यों? मैं तुम्हारी इस क्यों से तंग आ गई हूँ। क्यों? शाम को मम्मी डैडी आ रहे हैं इसलिए। ओ,
मैं तो भूल ही गया था। अच्छा मैं जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आ जाऊंगा। हाँ राजेश, किधर देख रहे हो? तुम्हारी तरफ। ओके बाय। वाह 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 वाह, रसगुल्ला, जलेबी, जंगली जलेबी। सिकंदर जी, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे भाभी हुआ तो नहीं, लेकिन होने वाला था। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, शुक्रिया। लेकिन भाभी क्या चीज है? कहाँ? तुम्हारे हाथ में भाभी, कयामत है कयामत। मेरे हाथ में तो फोटो है। अरे भाभी इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। क्या धमाका है, क्या होठ है, बिल्कुल शर्मिला जैसे, क्या गाल है, बिल्कुल हेमा जैसे, और आंखें कैसी हैं? हिरनी जैसी। ओफो, मैंने कहा देखी पहली, मत बुझाओ। सुंदर है एकदम। सच? हाँ। और बताऊं क्या लगता है, ये जंगली जलेबी राजेश भैया के बहुत करीब आ गई है, या फिर राजेश भैया इसके बहुत करीब चले गए हैं? सिकंदर बहुत बोलने लग गया है, भाग यहाँ से। सॉरी भाभी। क्यों रे बबलू, तुझे भी पता चल गया कि आज मम्मी डैडी आ रहे हैं, तभी इतना खुश हो रहा। बोल क्या खातिर करेगा उनकी? ओफो तानिया, तुझे तो कभी अकल नहीं आएगी। मालूम है ना मैंने अभी सोफे का कवर बदला है। चलो उतरो, चलो। हेलो राजेश। हेलो स्वीटहार्ट। मिला नहीं मिला? एक और। अरे तुम तो शर्मा गई क्या? क्या क्या मम्मी डैडी आ गए? अरे दैट्स वंडरफुल, दिस न्यूज फॉर सेलिब्रेशन। अच्छा तुम एक काम करो। हाँ हाँ बाबा, मैं बस में नहीं टैक्सी लेकर आ जाता हूँ। हाँ मेरे आने तक उनकी खातिरदारी करो। ओके बाय बाय स्वीटहार्ट। हाँ हाँ बाय। क्या बातें हो रही थी माँ बेटी में? कुछ नहीं, समझा रही थी मगर नहीं मानी। मानेगी भी कैसे, आखिर बेटी जो मेरी है। मेरी तारीफ बहुत हो चुकी। लीजिए शुरू कीजिए। अरे राजेश को तो आने दिया होता। आते ही होंगे राजेश, आप खाइए नहीं तो पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। कौन ठंडा हो जाएगा? आओ राजेश आओ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। I'm sorry daddy, कुछ देर हो गई। It's all right. चलो जल्दी से मुंह हाथ धोलो। Excuse me daddy, बस दो मिनट में आया, दो मिनट। Sure, sure, sure. राजेश बेटे। जी डैडी। एक बात कहूं? जी कहिए डैडी। देखो बेटे, इतने बड़े बंगले में हम दोनों रहते रहते घबरा गए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों वहीं आ जाओ? हम दोनों? हाँ हाँ बेटे, ये मेरी ख्वाहिश है कि हम सब साथ रहें, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी राजेश। वो तो ठीक है डैडी, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन बेटे तुम्हें एतराज क्या है? नहीं मम्मी एतराज कोई नहीं, लेकिन मेरा एक उसूल है, घर अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा, अपना होना चाहिए। लेकिन वो भी तो अपना ही है राजेश बेटा। अपने से मेरा मतलब अपनी कमाई का डैडी। वो तो सब ठीक है राजेश, मगर मैंने जो कुछ कमाया है वो किसके काम आएगा? बेटे तुम दोनों के अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन डैडी ये जया के हक में ठीक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ ये अपना काम खुद करती है, वहाँ हर काम के लिए नौकर चाकर होंगे, ये बेकार होके बैठ जाएगी और इसका वक्त नहीं कटेगा। मगर इसे तकलीफ भी तो कितनी उठानी पड़ती है राजेश। इसी तकलीफ में तो इसकी राहत है, खुशी है। और सच पूछिए तो डैडी मुझे ज्यादा बड़े घर पसंद नहीं है। तुम बातें ही करोगे या कुछ खाने भी दोगे? अरे हाँ। अरे नहीं बेटा, हमने बड़ी अच्छी तरह से खाया है, बड़े मजेदार पकौड़े बनाए हैं तुमने। दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, राजेश से पूछ लो। हाँ डैडी बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन नमक जरा कम है। वो तुम बाद में खा लेना। मेरे लिए कोई सेवा? बहुत देर से बेकार खड़ा हूँ। तू क्यों पके आम की तरह टपक पड़ा बीच में? आज आप लोगों का मूड अच्छा है ना, इसलिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज धर्मेंद्र की पिक्चर का प्रीमियर है। फिर ये कैमरा क्यों लिया तूने? बताता हूँ भैया बताता हूँ, यही तो एक रास्ता है वहाँ पर पहुँचने का।
फिल्म वाले मुझे प्रेस फोटोग्राफर समझकर हाथों हाथ अंदर ले लेंगे। मगर मैं आपके हाथ में अपना कैमरा देकर इसका सत्यानाश नहीं करना चाहता। अरे इसका सत्यानाश तो तब होगा जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब साफ है, ये तो सब मेरी एक्टिंग का कमाल होगा। ये देख लो, ये मैंने फिल्म लोड की कर ली, अब ये मैंने फोटो खींच लिया ना। थैंक यू। परसों मैं फोटो भेज रहा हूँ आप लोगों की। हाँ फोटोज तो परसों मिलेंगी, लेकिन कैमरा अभी। चलो तो मिस्टर जीरो, अब आप जा सकते हैं। देखा मेरी बेइज्जती कर दी ना। कोई बात नहीं सिकंदर, अगली बार हम तेरे लिए फर्स्ट क्लास नया कैमरा लाएंगे। थैंक यू सर। अच्छा बेटे चलते हैं। ठहरिए ना डैडी। नहीं बेटे, बहुत देर हो गई। अच्छा राजेश। जी डैडी। अरे भाई तुम लोग कब आओगे हमारे घर? जब इन्हें फुर्सत मिलेगी। मैं अभी आया जाए। ओके। नमस्ते। चल तानिया। तक तो ठीक थे। स्वीटा ठीक कहा था, सिर्फ बन रहा था। क्या इरादा है बताना पड़ेगा। अरे वक्त तो देखा करो स्वीटा, मेरा बस चले ना तो इस वक्त को हमेशा के लिए रोक दूं। अभी आप अपने आप को रोकिए, मुझे बहुत काम करना नहीं। है। नहीं छोड़ो मुझे। ओफो। कुछ मदद करो। जी नहीं। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। चलो मिस तानिया, कमान कम। मिस तानिया, अब तो मेरी हालत पर रहम करो यार। दिन को तो आप परेशान करते ही हैं, अब रात को भी बेड पे आके बैठ गए हैं। किसी को पता है मुझे सुबह के प्लेन से दिल्ली जाना है? अब मेरा सोने का वक्त हो गया, अब चलो यहां से भागो। आउट, चलो आउट आउट आउट। आह बत्ती बुझा दूं? हाँ। अंधेरा हो या उजाला, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं। बस बातें छोड़िए, किताब बंद कीजिए और मेरे पास आइए। बड़े मतलबी हो। मैं मतलबी हूँ? तुम मतलबी नहीं हो। पढ़ने से जी नहीं भरा क्या? तुम्हारे दिल की किताब पढ़ रही हूँ। क्यों? भरोसा नहीं मुझ पर? भरोसा तो अपने आप से भी ज्यादा है, लेकिन कभी कभी अपनी कमजोरी का एहसास हो। एक बात पूछूं? जरूर पूछो। बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? सुबह जिसके फोटोग्राफ्स प्रिंट किए थे तुमने, जिसकी आंखें हिरनी जैसी हैं। वो इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारे पागलपन पर हंसू नहीं तो और क्या करूं स्वीटहार्ट। वो लड़की एक मॉडल थी, रीटा। 1.5-2 साल पहले उसके कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। कल एग्जीबिशन पे जा रहा हूँ ना, इसलिए उसके प्रिंट्स निकाल रहा हूँ। तसल्ली हो गई? अब तक तो सुना था, आज यकीन भी हो गया। औरतें बहुत छोटे दिल की होती हैं। भला बताओ, जिस लड़की के बारे में मुझे ये मालूम ही नहीं है, वो कहाँ है? उसे आप मेरे पास ढूंढ रही हैं। मैंने पी ली है।
डरता है दीवाने, डरता है दीवाने, मस्ती में बेमाने चक्रा भी दे। किसने कहा था कि विदेशी कस्टमरों के साथ अपने दूसरे धंधों की बात करो? हमें उनसे सिर्फ उसी काम की बात करनी चाहिए जिसके कंप्लीट होने पर वो हमें 20 लाख रुपए देंगे। सब लोग प्लान एक बार फिर से सुन लो। ये नेकलेस देखा, ये नकली है, नकली। ओ तुम आ गए, गुड। हाँ तो बिल्कुल इसी जैसा दूसरा असली नेकलेस उड़ाने, कल हमें दिल्ली जाना है। जाने मन, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बेडरूम में जाके मेरा वेट करो। बेडरूम को कहीं वेटिंग रूम ना बना देना। माय डियर, तुम्हारे कपड़े बदलने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। गो। तुम इस ऑपरेशन के इंचार्ज हो, ये बैग लेकर दिल्ली जाओगे। लेकिन सर पुलिस? ऑफ कोर्स, पुलिस वालों की नजरों से बचकर। प्रिंस चार्मिंग, मुझे देखना है तुम अपनी स्मार्टनेस का जाल होटल की सर्विस गर्ल पर कैसे फेंकते हो। बाकी के इंस्ट्रक्शंस आपको दिल्ली में मिलते रहेंगे। नेकलेस उड़ाने का प्लान मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है, कामयाबी मुझे साफ दिखाई देती है। एनी सजेशंस? डार्लिंग, ये खिड़की में से किसे देख रही हो? आने वाले खिड़की से नहीं, दरवाजे से आते हैं। डार्लिंग। ओह नो।
ये नकली नेकलेस किसके गले में पड़ेगा? ये तुम्हें कल दिल्ली में मालूम हो जाएगा। Your attention please. Air India announces the arrival of their flight IC-186 from Bombay. Thank you. Yes please, what can I do for you sir? No thank you officer. हमें किसी का इंतजार है. क्यों बेगम? Your attention please. This is the last and the final call for the passengers to proceed to the aircraft. Thank you. ये तो तुम्हारी एक ही अदा से फ्लाइट हो गया. लेकिन वो दूसरा मूछों वाला बहुत ही खूसट है. एक एक चीज़ की तलाश लेगा. अगर कोई खतरा महसूस करो तो पर्स को यूं कर लेना और पर्स को खोलकर नेकलेस ज़मीन पर फेंक देना. ज़मीन पर? बेगम तुम्हारी नजरें हमेशा आसमान पे रहती हैं, कभी जमीन पे भी देखा करो. इंडियन एयरलाइंस अनाउंसेस द डिपार्चर ऑफ देयर फ्लाइट IC-182 टू बॉम्बे. पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट. थैंक यू. क्या बात है डार्लिंग? हाँ लगता है नेकलेस मेरे पर्स में ही है. मेरी जेब में है. एक ही बात है. चलो बेगम चलो. बेगम साहिबा मैं तो जा रहा हूँ, मगर मेरी गैर हाजिरी में अपने आप को संभाल कर रखना. अपने आप को? मेरा मतलब है नेकलेस को, क्योंकि आखिरी में वो नेकलेस सिर्फ तुम्हारे पास होगा और तब तुम बिल्कुल अकेली होगी. बिल्कुल अकेले? हाँ. तुम फिकर मत करो डार्लिंग, मैं सब संभाल लूंगी. गुड. लेकिन क्या तुम सचमुच इस प्लेन से बंबई वापस जा रहे हो? मेरा दिल्ली में रहना ठीक नहीं है, पुलिस को शक है मुझको. अगर मुझे पहचान लिया गया तो तुम सब पहचान लिए जाओगे, समझी? मैंने सब इंतजाम करवा लिया. प्रिंस और प्रिंसेस उसी होटल में आ रहे हैं. प्रिंसेस का नेकलेस कब और कैसे चुराना है ये तुम्हें पॉल बता दूंगा. आप साहब प्रिंस एंड प्रिंसेस होटल पहुंच रहे हैं. कट. बेगम साहिबा खुदा हाफिज. वेलकम टू आवर होटल योर हाइनेस. थैंक यू. वेलकम टू सर. थैंक यू. हाउ डू यू डू? प्लीज कम. कम ऑन. Good morning, Miss Rita. Welcome back to Delhi. Here's your key, 205. Thank you. क्या रुक जाओ, इधर उधर मत देखो, तुम्हारा पीछा हो रहा है. मुझे मालूम है. उनका प्लान क्या है? आज ही रात को नेकलेस उड़ाना है.
लेकिन कब और कैसे ये नहीं मालूम। कल सुबह की सिंगापुर की दो टिकटें मिल सकती हैं? टिकट तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, लेकिन क्या टिकट के साथ हम दोनों सिंगापुर जा सकेंगे? कल दोपहर का खाना हम सिंगापुर में खाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। एक्सक्यूज मी जी, मुझे 1000 रुपए का चेंज चाहिए, मिलने को सकता? क्यों नहीं, मैं अभी लाके देती हूँ। ओह नो नो नो, आप आराम से लाने का मांगता, वैसे इस वक्त मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आप साथ देंगा? जी नहीं थैंक यू, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ। और ड्यूटी का बाद? सोचूंगी। अरे रीटा तुम? चलो तुमने अपने पुराने मॉडल को पहचान तो लिया। कैसी हो? बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। रीटा मेरी शादी हो चुकी है। शादी तुम्हारी हुई है, मेरी तो नहीं। ओफो, अच्छा जरा मैं कपड़े तो पहन लूं। एक साथ पहन लेंगे।
हैप्पी क्या कर रही वाह डार्लिंग आपको मजा आ गया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी आओ डार्लिंग कम ऑन कम ऑन डार्लिंग अरे बड़े शरारती हो तुम आप ही का कहा तो मान रहा था हुजूर मैं तो तुम्हें चिढ़ा रही थी अच्छा अच्छा तो मैम साहब हमको चिढ़ा रही थी रोमांस डार्लिंग रोमांस तुम समझ गई ना इतने भी क्या जल्दी अरे तुम जल्दी की बात कर रही हो हमारा बस चलता तो उस मुजरे वाली का गाना छोड़कर चले आते हाय हाय कुछ कहो ना अच्छा। मुजरे वाली का गाना सुनकर अच्छा हो गया था डार्लिंग कम ऑन डार्लिंग तो जाना था ना उसी के पास ये जन्नत छोड़कर कभी नहीं पहले बत्ती बुझा दो तुम्हारा शर्माना बहुत अच्छा लग रहा है बत्ती बुझा दी तो कुछ नजर नहीं आएगा नहीं वैसे तो रात है कुल कर दो इन चिरागों को खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का होए मार डाला मार डाला ओह यस अरे ओह नो ये क्या मजाक है आज तो ऐसा ही होगा आज है कोरा कोरा नथनी है भोली भाली बस तू मेरे पैर में बैठकर मीठी मीठी बातें करो चूंटी मत काटो मुझे नहीं अच्छा लगता आओ ना पहले नेकलेस तो उतारने दो नेकलेस छोड़ो ना डार्लिंग कम ऑन डार्लिंग ओह समझा करो डार्लिंग नेकलेस को छोड़ो ना ओ डार्लिंग तो शर्माती अब कैसा शर्माना आओ ना हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम आप अपना पर्स खोल के रखिए Departure of their flight IC-182 to Bombay. Passengers are requested to proceed towards the aircraft. Thank you. Madam, आप लेट हो रही हैं, जल्दी जाइए. Thank you. Thank you. हाय रीटा कमाल है कल रात अधूरा गाना सुनकर ही चले गए अच्छा नहीं लगा क्या गाना ओ हाँ गाना तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे जरा जल्दी थी तुम ये भागती हुई कहाँ से आ रही हो सोचा तो बहुत लंबे उड़ने का था
मगर बैड लक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्लाइट में कुछ टाइम था इसलिए सोचा कैमरा अनलोड कर लो। कैमरा? हे, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें और इस कैमरे को देखकर मुझे अपनी पुरानी फोटोग्राफी की हॉबी याद आ गई। क्या एक दो रोज के लिए तुम मुझे अपना कैमरा दे सकते हो? हाँ हाँ श्योर, लेकिन जरा संभाल के यूज करना। हाँ हाँ संभाल के इस्तेमाल करूंगी। ये लो। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? कॉफी। मैं एक मिनट में आई हूँ। ओके, एक कॉफी देना। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारी कॉफी तो ठंडी हो गई। Attention please, the passengers flying to Bombay in flight IC182, proceed please. Thank you. Flight announce हो चुकी है, चलो। चलो। Come on. हेलो स्वीटहार्ट। अरे भाई आज तो कमाल ही हो गया, फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर आ गई। अरे मैंने फोन रखा और घर पहुंचा। ओके मिला, बाय स्वीटहार्ट। राजेश? हाँ राजेश, तुम इस वक्त अपना कैमरा अपने पास रख लो, मैं दो दिन के बाद आके लेके जाऊंगी। ओके बाय बाय। सब कुछ चौपट हो गया, रीटा को तो ये लोग मारे डालेंगे, अपनी जान को भी खतरा है। चलो जल्दी चलो, भाग चलो यहाँ से। नहीं कुंदन, तुम मेरी बात तो सुनो। कुंदन! सच सच बताओ वो नेकलेस कहाँ है, वरना। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं नेकलेस दिल्ली छोड़ाई हूँ। झूठ! ये झूठ है, तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। मेरी परसों की मेहनत तूने पलों में ही बर्बाद कर दी। तुम इस पर एक बार क्यों नहीं करते डार्ली? डार्लिंग, तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम्हारी एक जान तो क्या, तुम्हारे साथ और भी 100 जाने लेनी पड़ी तो भी मैं ये नेकलेस अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। बॉस, ये लड़की झूठ बोल रही है। नेकलेस? नेकलेस कहीं नहीं जाएगा। देखा अपने मालिक को कितने लापरवाह हैं। फोन आए कितनी देर हो गई लेकिन अब तक नहीं पहुंचे। तुम दोनों समझा नहीं सकते उन्हें, मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। आने दो, खूब लड़ूंगी। हाय स्वीटहार्ट। अरे भाई हम आ गए हैं, क्या बात है? आज हमारा कोई स्वागत ही नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है कि केस सीरियस है, इसलिए मिस्टर राजेश कान दबाकर अपना स्वागत खुद ही कर लो, वरना खैरियत नहीं। क्यों जया? हाँ हाँ नहीं है खैरियत। शांति शांति, धीरज। घर आए मेहमान को पहले आराम से बिठाया जाता है, फिर उससे बातें की जाती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है, तभी तो ये भी नहीं पूछा दिल्ली से आए हो, क्या लाए हो और क्या क्या देखा। वाह क्या नेकलेस था, आंखें चौंधिया गई स्वीटहार्ट, असली हीरो का था। कीमत कम से कम 20-25 लाख की तो होगी जरूर। लाऊं तुम्हारे लिए?
तुम्हारे गले में उसकी शोभा और भी बढ़ जाएगी। हालात बदलने दो, तुम्हें जरूर प्रेजेंट करूंगा। मुझे पहले एक घर चाहिए। घर? क्यों, ये घर नहीं है क्या? मैंने कब कहा, लेकिन रहने के काबिल नहीं। न यहाँ कोई आबादी है, न पास पड़ोस, अच्छे बुरे समय का कोई साथी भी नहीं। सबसे अलग, मुझे इस वीराने में बहुत डर लगता है। तुम्हें डर लगता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो राजेश, मुझे बहादुरी का अवार्ड दिलवाओगे क्या? एग्जैक्टली, सच कहता हूं जया, वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का होगा। लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम डैडी से पैसे लेकर कोई दूसरे घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? एक बात हमेशा सुन लो जया, आइंदा तुम कभी मुझे अपने डैडी से भीख मांगने का मशवरा नहीं दोगी, समझी? I'm sorry, राजेश। अरे अरे पगली, तुम तो रोने लगे। I'm sorry। देखो भाई, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, हंस दो। हंस दो ना, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। ये हुई ना बात, अगर तुम कुछ दिन और इंतजार करती तो मैं तुम्हें सरप्राइज देता। अब बताना पड़ेगा, मैंने फ्लैट बुक कर लिया है। कब, कहाँ? बांद्रा में। बस सातवें इंस्टॉलमेंट बाकी है, वो दी कब्जा मिला, इंस्टॉलमेंट का भी इंतजाम हो गया है समझो। कहाँ से? अरे बहुत बड़ा काम मिल गया, बहुत पैसे मिलेंगे। अभी जाऊंगा और रात को आखिरी ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। अब फिर जाओगे तुम? सिर्फ आज जाऊंगा, इसके बाद कभी नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। अब नहीं कहूंगा, बस आज इजाजत दे दो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलो, अब जल्दी से मेरा बैग तैयार कर दो, उसमें 6 रोल कलर के रख देना और 10 रोल ब्लैक एंड व्हाइट के। चलो चलो। नो नो नो, डरने की कोई जरूरत नहीं, इट्स मी योर फ्रेंड। मुझे उम्मीद है आप मेरे देश में मजे ले रहे हैं। श्योर श्योर, बट व्हाट अबाउट द नेकलेस? नेकलेस मेरे पास है, लेकिन वो आपको कल सुबह मिलेगा। नो 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 नो, हरी अबाउट द मनी, रुपए भी मैं कल सुबह ले लूंगा। आज रात के प्लेन के टिकट्स आप लोगों के मैंने कैंसिल करवा दिए, कल सुबह की फ्लाइट से आप अपने देश वापस जा सकेंगे। ओके, ठीक है हम तो जाने का जल्दी होता, बोलता तो हम रहता। देखो जल्दी आ जाना। अच्छा बाबा, आखिरी ट्रेन से डेफिनेटली आ जाऊंगा। ये नहीं ये नहीं, वो दूसरा वाला देना, इस कैमरे की आज मुझे जरूरत नहीं। और हाँ स्वीटहार्ट, वो साथ में फ्लैशगन भी दे देना। हेलो, इज इट 412717? मिस्टर राजेश स्पीकिंग, फरमाइए। आज रात को आप फ्री हैं? क्यों? एक फंक्शन है, फोटो खिंचवाने हैं। I'm sorry, आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ। किस वक्त? अब बस अभी। और वापसी? रात को देर से आऊंगा। और कल? कल का देखना पड़ेगा, एक मिनट ठहरिए। देखा स्वीटहार्ट, ये दूसरा ऑर्डर है मेरे लिए, कल तक रुकने को तैयार है, लेकिन मैं मना कर दूंगा। बिरजू कहाँ? बिरजू, बॉस ने तुम्हें याद किया। अब मैं चलूं? डरोगी तो नहीं? ओके। राजेश। सुनो जया, कैमरे के पास एसेट की बॉटल पड़ी है, वो वहां से हटा देना। तानिया कहीं इधर उधर गिरा ना दे, आंखों में पड़ गया तो कुछ देर के लिए अंधा कर देगा। हाँ हाँ बाबा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, हो सके तो जल्दी आ जाना। ओके बाय।
कहो पोस्टमैन, क्या खबर लाए हो? वहां की सब खबर लाया हूं। लड़की अकेली है और अंधी है। अंधी है? हाँ। तो फिर भेष बदलने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तुम अकल के अंधे हो। तू मुझे ज्यादा वक्त बाहर रहना, किसी की नजर में आया तो पहचाना जाऊंगा। और तुम ध्यान से सुन लो, अंदर जाके उस अंधी को इस तरह डराओ कि वो सोचने समझने के काबिल न रहे और मजबूर होकर अपना नेकलेस हमारे हवाले कर दे। और देखो, अगर मेरी जरूरत महसूस करो तो दिया सलाई जला के मुझे इशारा कर दो, समझे? फोटोग्राफर तो गया, अब मैं जाऊं? इस वक्त जाकर जेल में जाने का इरादा है क्या? उल्टू, ये पूरा इलाका सूरज डूबते ही वीरान हो जाएगा और तब मैं तुम्हारा गला भी घोंट दूं तो तुम्हारी चीख और पुकार कोई नहीं सुनेगा। बहुत जोर से गला दबा दिया उस्ताद। तुमने जरा भी बेवकूफी की तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। जान? हाँ जान। रीटा की जान तो उन लोगों ने ले ही ली होगी, फोन करना उनके लिए मामूली खेल है, लेकिन हमें तो नेकलेस चाहिए। नेकलेस मिलते ही हम उनके हाथों से दूर भाग जाएंगे। कहाँ जाओगी बच्चे? ये बिना इलाका सुन सुन मत। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है भाभी तुम मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही हो। आखिर इस तारीफ का मतलब क्या है? कोई खास काम है मुझसे? मुझे क्या काम होगा? नहीं है तो बहुत बहुत थैंक यू, यानी वेरी वेरी शुक्रिया। मैं चला प्रीमियर पे। ओके भाभी। सिकंदर। हाँ भाभी। उनके आने तक रुक जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अरे भाभी जली जली जली। क्या भाजी? भाभी नहीं, भाजी जली। बड़ा आया मुझे सिखाने बावर्ची। अरे भाभी मैं तो देख रहा था। हाँ मैं देख रहा था कि तुम बहादुर हो या नहीं, लेकिन भाभी तुम बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। सिकंदर लॉन्ड्री से कपड़े भी तो लाने हैं, कल बंद होगी। तो भाभी मैं परसों ले आऊंगा। अभी क्यों नहीं? भाभी अभी टाइम मिला तो देखूंगा। मगर वहां डार्क रूम में क्या कर रहा है? हाँ कुछ नहीं भाभी,
कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। देख कैमरे को हाथ मत लगाना। तौबा करो भाभी, मैं क्यों हाथ लगाऊंगा? मुझे कौन सा फोटोग्राफर बनना है, मुझे तो हीरो बनना है। हीरो मुझे क्या जरूरत पड़ी कैमरे की? जरूरत ये पड़ी है कि तू प्रीमियर जा रहा है। तो फिर मेहरबानी कर ही दो भाभी। नहीं। जा पना सिकंदर आजम की सवारी जा रही है। सिकंदर, देखिए मैं अंधियों में देख नहीं सकती और हमारे यहाँ आग लगी हुई है। मदद के लिए कोई नहीं है, आप जल्दी आइए प्लीज। ठहरी ठहरी, शायद कोई आया है, मदद मिल सकती है, मैं अभी बताती हूँ। कौन है, कौन है? देखिए यहाँ आग लगी हुई है, मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज प्लीज। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ ना। अरे मैं देख लेता हूँ कहाँ आग लगी है। यहीं कहीं कोने में। ओ, अरे ये तो अच्छी खासी आग लगी हुई है। क्या? You don't worry, अरे मैं अभी बुझा देता हूँ। अच्छी खासी आग लगी हुई थी। अच्छा वो मैं ठीक समय पर आ गया, अरे वरना पता नहीं क्या हो जाता। देखिए अपने आप को बचाइएगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, लीजिए ये आग बुझा दी। अरे किसी का टेलीफोन आया है क्या? हाँ हाँ, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया था। हेलो फायर ब्रिगेड, वो देखिए अब आपकी जरूरत नहीं, थोड़ी सी आग थी वो मैंने बुझा दी। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। ये आयरन स्विच ऑफ करना आप भूल गई थी क्या? अब नहीं, राजेश भूल गए होंगे। अरे देखिए घबराहट में मैं ये पूछना ही भूल गई कि आप कौन है। आपका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, ये गैरों के लिए होता है भाभी। मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ, मैं तो राजेश का दोस्त हूँ, बहुत करीबी दोस्त, बिल्कुल अपनों की तरह। ये शायद राजेश ने आपको कभी नहीं बताया होगा। हाँ कभी नहीं बताया। क्या नाम है आपका? जी रवि। तो क्या उसने ये भी नहीं बताया कि मैं आज घर पे आने वाला हूँ? नहीं तो। ये उसकी पुरानी आदत है भाभी, हमेशा ऐसा ही करता है। ऐसा करती तो नहीं, शायद भूल गए होंगे। आपको क्या मालूम, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ भाभी जी। मगर आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्लीज बैठिए ना। पहले अच्छी तरह आपका घर तो देख लूं। ऐसी तो कोई खास चीज नहीं है घर में। है कैसे नहीं, बहुत ही खास चीज है भाभी। क्या? आपका सलीका, कितनी खूबसूरती से आपने घर को सजाया हुआ है भाभी, हैरत हो रही है। क्यों झूठी तारीफ कर रहे हैं मेरी आप? झूठ? अरे झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं भाभी, जो देखा वो बता दिया। अच्छा बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी, अगर चाय वाय की बात करोगी ना तो मैं चला जाऊंगा, मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आया। आप हमारे घर में पहली बार आए हैं। तो क्या हुआ, अब तो मैंने घर देख लिया है, आता ही रहूंगा, फिर पी लूंगा। भाभी आपको हमारी दोस्ती का अंदाजा नहीं, पैदा होने से लेकर जवान होने तक हमने हर काम साथ में किया है। जी जी, हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ, मेरा मतलब है एक दिन एक तारीख एक वक्त, खाया एक साथ, खेले एक साथ और स्कूल एक साथ गए। भाभी हमारे कॉलेज की तो शान ही अलग थी, क्या जमाना था अपना भाभी। हम दोनों क्रिकेट टीम में भी एक साथ थे, राजेश बैट्समैन था और मैं बॉलर, वो सेंचुरी मारने में उस्ताद और मैं गुगली फेंकने में। गुगली गुगली,
और ये फोटो है ना भाभी, फोटो इसमें जो दूसरे नंबर पर खड़ा है ना, वो मैं ही हूं। अब तो सपना सा लगता है किस तरह कॉलेज उसे कंधों पर उठाया करता था। और लड़कियां तो दीवानी थी राजेश की। हाँ, मुझे तो उसके सामने लिफ्ट ही नहीं देती थी, पता नहीं क्यों। लड़कियों की आदत है, बैट्समैन पर मरती है और बॉलर से डरती है। वो तो नहीं मरते थे किसी पर? क्यों नहीं, कन्हैया गोपियों में रहे और बंसी ना बजाए। मगर आपको उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो कॉलेज का जमाना था, ऐसा हो ही जाता है। कौन से कॉलेज में जाते थे? कॉलेज वो तो अब वो अपना वो वाडिया। हाँ, वाडिया, वाडिया में पढ़ते थे। रवि भैया, आपको अपने कॉलेज का नाम भी नहीं याद? भाभी, हालात ने तो कॉलेज तो क्या, अपना नाम पता तक भुला दिया है। और कॉलेज छोड़े हुए भी बहुत दिन हो गए। और भाभी, ये सोचा भी नहीं था कि अचानक आप इस कॉलेज का नाम पूछ लेंगी। बादब, बामुलाइजा, होशियार। आ गए सरकार। जापना सिकंदर आजम की सवारी आ चुकी है। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। क्यों, बैठिए ना। नहीं भाभी, जरा मुझको बाहर काम है, बाद में मैं आ जाऊंगा। सिकंदर, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मजाक कहाँ कर रहा हूँ भाभी, वो महाशय तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। तू अपनी इतनी तारीफ क्यों करता है? अपनी? मैं तो उन महाशय की तारीफ कर रहा था। कौन सा चूचू का मुरब्बा है, पहली बार चखा है। बोलने से पहले सोच लिया करिए महाराज, वो आपके राजेश भैया के दोस्त दो, 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 दोस्त फिर तो आई एम सॉरी। लेकिन आप भी क्या कमाल करती हो, बहुत परेशान करती हो मुझे। क्या हुआ? कपड़े लेने के लिए मुझे भेज दिया लेकिन पैसे दिए। ओहो, क्यों मांग लेता, चल जा वहाँ रखे ले ले। वाह भाभी, बहुत बढ़िया, यानी ये भी काम मैं ही करूँ, कर लेता हूँ, मेरा क्या जाता है। भाभी, इसमें एक पाँच की, एक दो की और एक दस की, कहो तो पाँच की ले लूँ। हाँ ले ले। वेरी गुड। भाभी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओ दस 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 रुपया लिया, प्रीमियर भाभी, थैंक यू। खुल जा। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, देख तो जरा दरवाजा, शायद ठीक से बंद नहीं हुआ, चला गया। ओफ, वो प्रीमियर की धुन में तो इसे कुछ याद ही नहीं रहता, कितने बार समझाया है। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो, कहाँ है? कौन है आप, क्या चाहते हैं? राजेश, राजेश, तुम्हारा पति, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, हो बोलो। वो तो बाहर गए। वो बाहर गए, बाहर ही जाएगा, वो घर में रहेगा तो गड़बड़ कौन करेगा बाहर है? मगर आप हैं कौन, कहना क्या चाहते हैं? सवाल मैं नहीं किया है, जवाब तुम दो, बोलो कहाँ है वो, उसे मिलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, कहाँ है वो? रात को देर से घर आएंगे। क्या मालूम साला आएगा कि नहीं। आप तमीज से बात नहीं कर सकते तो चले जाइए यहाँ से। तमीज, तमीज तो अपने पति को सिखाओ पहले, समझी? मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। सुन लो, सुन लो, सुन लोगी तो कान फट जाएंगे, ऐसे करतूत है तुम्हारे पति के। चुप करो। नहीं बर्दाश्त हुआ ना, होगा भी कैसे, तुम तो अंधी हो। मैं क्या बता, वो बदमाश है, आवारा है, लुच्चा है, लफंगा है। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे को बर्बाद करके वो चैन से नहीं रह सकता यहाँ, सुना? क्या बकवास है। मेरे बेटे की वाइफ रीटा यानी मेरी डॉटर इन लॉ के साथ प्यार का नाटक रचा, नाटक मालूम है? ये झूठ है, बकवास है। तुम अगर शराफत से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुलाओ ना, मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, मैं पुलिस स्टेशन जाने से बच जाऊंगा। बुलाओ ना प्लीज, बुलाओ, मेरे पास सबूत है, ये देखो, देखा? ये तो कागज है। कागज तो तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम अंधी हो ना, ये तो लव लेटर है, लव लेटर, मेरे डॉटर इन लॉ को लिखा है, सुनाऊं पढ़ के? शर्म से डूब मरोगी, इतना गंदा है, सब कुछ लिखा है, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। कभी ना आप शर्म, मैं तो जरूर उसे जेल भिजवाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कैसे समझ में आएगा, कैसे पता होगा? तुम तो अंधी हो ना? हाँ, मैं अंधी हूँ। तुम तो नहीं हो? तुमने क्यों नहीं देखा अपनी डॉटर इन लॉ को? क्यों नहीं रोका तुमने और तुम्हारे बेटे ने उसे? अरे हम कैसे रोकते हैं? तुमने सुना नहीं, कमान से तीर, बुका वचन, स्त्री का पाव, जो निकला एक बार सदा के लिए निकल गया। रीटा मॉडल थी, राजेश उसके फोटो खींचता था, नंगे फोटो। अब तुम खुद समझ लो, जब एक जवान लड़की मर्द के सामने कपड़े उतारेगी तो क्या होगा? वही होगा। मेरी तो किस्मत फूट गई थी, मेरे बेटे पे तो जादू किया था उसने, पागल हो गया था। मेरी बात नहीं मानी उसने, शादी कर ली। मैंने सोचा शादी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक होगी कैसे? उसे बिगाड़ने वाला तो मौजूद था, राजेश। मालूम है, दो दिन पहले दोनों कलकत्ता गए थे। कलकत्ता? वो तो दिल्ली गए थे। अरे कहीं भी गई हो, गए तो थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और वापस भी आ गए आज दोपहर की प्लेन से, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों को। लेकिन अब कहाँ है वो, बोलो बोलो। राजेश तो अपने काम से गए हैं। हाँ, तुमसे तो यही कहा होगा, सच्ची बात थोड़ी बताएगा। तुम हो झूठे बेईमान, इल्जाम लगा रहे हो मेरे पति पर। आखिर होना हिंदुस्तानी औरत। तुम क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में? ठहरो, मैं दिखाता हूँ। देखो दूसरा सबूत, अब तो यकीन आएगा। क्या सबूत, क्या है? फोटो, फोटो, तुम्हारे वफादार पति का फोटो, रीटा के साथ। कहाँ से लाए? आता कहाँ से, तुम्हारे बेडरूम में था, तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पे। बेशरम गले में हाथ डाल के खड़ा है, अपनी पत्नी के सीने पे मूंग दल रहा है। ये झूठ है, ये राजेश का मेरा फोटो है। तुमने देखा, किसी ने बोला? बोलो बोलो। हाँ मैं जानती हूँ, फोटो मुझे दो। ये तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, जिंदगी खाक करवा दूंगा, अंदर करवा दूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे घर से कोई चीज नहीं ले जा सकते, दो दो मुझे। लेकिन ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मेरी। मैं ये ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा, कम से कम तुम्हारे पति की शराफत का पोल तो खुल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि दोनों एक ही रंग में रंगे हुए हैं। राजेश रीटा के साथ बाहर ऐश कर रहा है और पत्नी घर के अंदर। वेरी गुड, जाओ मिस्टर, जाओ, अच्छा मौका है। ए बुड्ढे, क्या बकता है? इडियट कहीं का। बस बस, सब पता है, पता है। दूसरों का टाइम खराब करता है, पता है मुझे, सब मालूम है। भाभी तुम रो रही हो, बात क्या है, आखिर हुआ क्या? उस बुड्ढे की बात से परेशान हो रही हो क्या? भैया मैं क्या बताऊं, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था राजेश और रीटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका आपस में कोई गहरा संबंध है। लेकिन तुम्हें तो राजेश पर भरोसा है ना भाभी? है तो, लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई तस्वीर दिखाकर कह रहा था वो रीटा और राजेश की है। है? कहाँ है, मुझे दिखाओ। वो बुड्ढा साथ ले गया और पुलिस में जाने की धमकी दे गया। पुलिस में? फिर तो हो सकता है बुड्ढे की बात में कुछ सच्चाई हो, राजेश पर कोई इल्जाम आ जाए, बात बढ़ जाएगी। भाभी मेरी मानो, इससे पहले हम ही सब कुछ पुलिस को बता देते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो फोन कर लेते हैं। अरे अरे भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं कर देता हूँ। क्या नंबर है? हाँ देख लिया, 212136। वन सेकंड। हाँ आ, 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 आ,
हेलो कोलाबा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन डार्लिंग ये भी पियला बोला। देखिए मैं मरीन ड्राइव सनी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर मिस्टर राजेश के घर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बात यह है कि अभी अभी एक बुड्ढा आया था, उसने मेरी भाभी को गालियां दी, डराया धमकाया। मैं क्या गाली दे? सुन रहे हैं ना? और साथ साथ एक चांदी का कीमती फोटो फ्रेम भी ले गया है। हाँ सर जी राजेश घर में नहीं है, मेरी भाभी देख नहीं सकती, वो अंधी है। हाँ वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, आप मेरी ओर से एनसी नोट कर लीजिए ना। मेरा नाम रवि है, आप आ रहे हैं ना? थैंक यू इंस्पेक्टर जी, मैं यही ठहरता हूँ, थैंक यू। भैया इंस्पेक्टर साहब भी इधर ही आ रहे हैं, अब तो डरने की कोई बात नहीं है ना। बहुत अच्छा हुआ रवि भैया जो तुम वक्त पर आ गए, लेकिन तुम अचानक कहाँ कैसे गए? क्या बताऊं भाभी, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मैं अपना यह पैकेट भूल गया था, रास्ते में याद आ गया और तुम्हारी मदद का बहाना बना, वरना मैं पैकेट भूलता ही क्यों। रवि भैया मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, न जाने क्या क्या पूछेंगे। कुछ भी पूछे तुम्हें क्या, जो सच्ची बात है बता देना। पुलिस के आने तक तो तुम यहाँ रहोगे ना? हाँ क्यों नहीं, भला इतना कुछ हो जाने पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़े ही जाऊंगा। रवि भैया न जाने मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। क्या बात करती हो भाभी, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज है, आखिर मैं राजेश का दोस्त हूँ। आप ठहरो भाभी, मैं देखता हूँ कौन है। आर यू मिस्टर राजेश? जी जी नहीं, मुझे रवि कहते हैं। आपको क्या चाहिए? You see, my name is Luis. I mean Luis Fernandez. मेरे डैडी यहाँ आए थे, an old man. I mean बुढ़े से। अच्छा तो वो आपके ही डैडी थे जो मेरे पति को गालियाँ दे गए हैं, उन पर झूठे इल्जाम लगा गए हैं। जी जी हाँ, actually वो जरा परेशान थे। Actually परेशान थे तो घर में बैठे दूसरों को क्यों परेशान करते हैं, क्या पागलपन है ये। You see, उन्होंने जो कहा था वो ठीक है मैडम, पागल तो मैं हूँ। तो यहाँ क्यों आए हैं, पागल खाने जाइए। लगता है वही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने डैडी की बात नहीं मानी और रीटा से शादी कर ली। इन बातों से मुझे क्या मतलब? जी आपको नहीं, आपके हस्बैंड को, वो दोनों फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनके रिलेशन में थोड़ी गड़बड़ थी। बड़े बेशर्म है आप, एक शरीफ आदमी के बारे में उसकी पत्नी के सामने गंदी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? हाँ शर्म ने तो कर्म फोड़े है और साथ में तकदीर भी, मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा। यू सी रीटा स्मगलर थी, स्मगलरों के साथ काम करती थी। राजेश के बारे में आई डोंट नो, मैंने रीटा को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, आखिर वही हुआ। क्या हुआ, आप कहना क्या चाहते हैं? यू सी रीटा 2 दिन पहले दिल्ली गई थी, आज वापस आई है राजेश के साथ। सुना है वहां उसने नेकलेस चुराया है 20-25 लाख का, और वो नेकलेस रीटा ने राजेश को दिया है। तो आपका क्या मतलब है कि नेकलेस इस घर में है? हो सकता है ना। नहीं मैं तो राजेश से कहने आया हूँ कि अगर नेकलेस उसके पास हो तो पुलिस को दे दे, वरना बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि रीटा का मर्डर हो चुका है। रीटा का मर्डर किसने किया? इसी ये तो नहीं मालूम, लेकिन इल्जाम राजेश पे आ रहा है। मेरे डैडी को तो यकीन है कि राजेश ने नेकलेस हड़प करने के लिए रीटा को मार डाला। नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं, सब सबूत राजेश के खिलाफ हैं। मुझे पुलिस ने बुलाया है स्टेटमेंट देने के लिए, मगर मैं नहीं चाहता कि बेकसूर राजेश
मर्डर केस में फंस जाए, आई मीन फांसी पे चढ़ जाए। यूसी आया इसलिए हूं कि सारा झगड़ा नेकलेस का है। अगर गलती से वो इस घर में आ गया हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं वो पुलिस को देकर राजेश की पोजीशन क्लियर कर दूंगा। भाभी फोन, ठीक है मैं ही ले लेता हूं। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, कोलाबा पुलिस स्टेशन से? हाँ जी, मैंने ही किया। आए नहीं आप? क्या कहा? कंप्लेंट लिखवाई है मिस्टर फर्नांडिस ने, और राजेश और रीटा का फोटो भी दिखाया। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे राजेश एक शरीफ आदमी है, क्या घर की तलाशी लेंगे आप? क्यों, नेकलेस? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहां कोई ऐसा नेकलेस वेकलेस नहीं है, हैं? हूं? वारंट? ठीक है, आप वारंट लेकर आइए, हम यही हैं। नहीं राजेश देर से आएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अजीब चक्कर है। इसी कोई चक्कर अभी तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। नेकलेस अगर इस घर में मिल गया तो। कहा ना नेकलेस इस घर में नहीं है। ऑल राइट, आप जानिए, समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया। नाउ यू सी, मैं तो जा रहा हूँ पुलिस में स्टेटमेंट देने के लिए। हाँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ, पुलिस ने बुलाया है तो स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। तुम्हें समझाने की कोशिश तो मैंने की, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो मैं जाऊं? रोने से क्या होगा भाभी जी? भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सीधी सी बात है, रीटा ने नेकलेस चुराया 20 लाख का, राजेश उसके साथ था, रीटा का हो गया मर्डर, इल्जाम किस पर आया? राजेश पर ना। भाभी मेरा मतलब ये नहीं है कि राजेश ने जानबूझकर किया होगा, मगर धोखा भी तो खा सकता है। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हो रीटा खतरे में फंस गई हो और उसने अपनी जान बचाने के लिए वो नेकलेस राजेश को दे दिया हो और राजेश उसे घर पे ले आए हो। देखो भाभी, छुपाने से मुश्किल और बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें पता है तो नेकलेस पुलिस को दे देते हैं तो राजेश पर इल्जाम नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि राजेश ऐसा नहीं कर सकता। भैया तुम यहीं ठहरो, मैं डैडी को फोन करती हूँ। ये क्या कर रही हो भाभी? उन्हें भी बताओगी कि रीटा और राजेश के गलत संबंध थे, उनके दामाद ने उनकी बेटी को इस तरह धोखा दिया है? ये सुनकर तुम्हारे डैडी को दुख नहीं होगा? देखो भाभी, ऐसी गलती भूलकर मत करना, बात बढ़ाने की बजाय हम दोनों मिलकर हल कर दे तो अच्छा है। लेकिन कैसे? नेकलेस देके। मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं रवि भैया? मुझे यकीन दिलाने से क्या फायदा, यकीन तो पुलिस को आना चाहिए। घर की तलाशी होगी और अगर नेकलेस मिल गया तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं पागल हो जाऊंगी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा भाभी, हो सकता है कि नेकलेस घर में हो और राजेश ने आपको ना बताया हो। बताया तो था। क्या? किस नेकलेस के बारे में जो उन्होंने दिल्ली में देखा था, वो कह रहे थे कि वो। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो भाभी, इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है कि राजेश खुद नादानी कर बैठा हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल है कि पुलिस के आने से पहले हम खुद ही घर की तलाशी ले लें। नेकलेस होगा तो मिल जाएगा, छोटा सा घर है। ठीक है, तुम कहते हो तो देख लेते हैं।
अरे कैमरा कहाँ गया? राजेश तो यहीं छोड़ गया था, शायद फिर ले गया। कहाँ होगा नेकलेस? कितनी डरावनी आंखें हैं। ये सब कैसे बचा है? इसे देख लेते हैं। रवि भैया देखना। क्या है? खत। ये कहीं रीटा के तो नहीं है? अगर हो तो इसे जला दो। सुनो, तुम्हें अगर इस घर में रीटा की कोई चीज नजर आए तो उसे खत्म कर दो, ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। भाभी, ये खत रीटा के नहीं, तुम्हारे हैं। देखो राजेश, मैं भी दूसरों की बातों में आकर तुम पर शक कर बैठी, ये मैंने ठीक नहीं किया। I'm sorry. दवि भैया, वहां खिड़की के पास क्या कर रहे हैं? भाभी, तुमने गाड़ी की आवाज नहीं सुनी? गाड़ी की आवाज? नहीं तो किसकी गाड़ी? पुलिस की। पुलिस की गाड़ी? लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, तुमने कहां से सुन ली? भाभी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं झूठ कह रहा हूं। पता नहीं, लेकिन मुझे तो शक हो रहा है। किस पर? कहीं मुझ पर तो शक नहीं कर रही भाभी? नहीं, मुझे तो उस बुड्ढे और उसके बेटे पर शक हो रहा है। दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। वाह भाभी वाह, अच्छा शक किया तुमने। अरे भला, बाप बेटों की एक जैसी आवाज नहीं होगी तो क्या मेरी और तुम्हारी होगी? फिर भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, दोनों अलग अलग थे, एक बुड्ढा बाप और एक जवान बेटा। अच्छा रवि भैया, एक बात बताओ, शायद तुमने महसूस नहीं किया होगा। क्या क्या बात है भाभी? माना कि दोनों बाप बेटे थे, लेकिन दोनों के पास एक ही जूता तो नहीं होगा? दोनों के जूतों की आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। नहीं भाभी नहीं, तुम आज परेशान ज्यादा हो गई हो ना, इसलिए कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। देखो अब कौन आया है। देखता हूं देखता हूं। हेलो इंस्पेक्टर, आइए प्लीज आइए, प्लीज आइए। बहुत देर कर दी आपने। ऐसी भाभी काफी परेशान हो चुकी हैं। क्या बात है, बताइए भाभी। इंस्पेक्टर साहब, शाम को यहाँ एक बुड्ढा आया था। ऐसी, और वो यहाँ से फोटो फ्रेम ले गया जो राजेश और रीटा का है। जी, वो बुड्ढा और उसका बेटा दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, राजेश के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई। मालूम है राजेश ने रीटा का मर्डर कर दिया है। नहीं, ये झूठ है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। पुलिस ने राजेश के खिलाफ वारंट जारी किया है और मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। बताइए इस वक्त वो कहाँ है? इंस्पेक्टर, माना कि कानून आपके हाथ में है, मगर इस तरह मजबूर औरत को डराना धमकाना अच्छी बात नहीं। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? क्या नाम था आपका? रवि, मिस्टर रवि, क्या आप इनके वकील हैं? शायद ठीक है होंगे, आपको जो कुछ भी बोलना है अदालत में बोलिए। अच्छा मिसेस राजेश, बताइए वो कहाँ है? वो अपने किसी काम से बाहर गए हैं, देर से आएंगे। ऐसे इस घर की तलाशी किसने ली? जी यकीनन नेकलेस ढूंढा गया है। मिला? जी नहीं। इसका मतलब है आपको नेकलेस के बारे में मालूम है, फिर तो ये भी मालूम होगा कि नेकलेस कहाँ है। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मिसेस राजेश, आप हमें धोखा नहीं दे सकती,
वैसे भी एक अच्छा शहरी होने के नाते कानून की मदद करना आपका फर्ज है। आपने अगर हमें नेकलेस दे दिया तो आपके पति मर्डर केस से बच सकते हैं, इसलिए अकल से काम लीजिए। वो नेकलेस छुपाने के बजाय हमारे हवाले कर दीजिए। अब मैं जाता हूँ, नेकलेस मिलते ही इनके हाथों हमारे पास भिजवा दीजिए। क्या नाम बताया था आपने? मिस्टर रवि। नेकलेस मिलते ही सीधे मेरे पास पुलिस स्टेशन चले आ रहा। आज तो गया। बच के कहां जाएगा? क्या सोच रही हो भाभी? वक्त बहुत कम है, नेकलेस ढूंढो, जल्दी ढूंढो। रवि भैया, लगता है नेकलेस की जरूरत पुलिस से ज्यादा तुम्हें है। क्या ये तुम क्या कह रही हो भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बात का सच सच जवाब दो। हाँ हाँ, जल्दी पूछो। इंस्पेक्टर के जूते रबड़ के थे या तुमने इशारा करके उन्हें उतारने के लिए कह दिया था? भाभी, तुम भी मुझे उनका साथी समझ रही हो? मैं कोई गुंडा या बदमाश थोड़े ही हूँ। तुम ना गुंडे हो ना बदमाश, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं तो? इस घर में 3 बार दिया सलाई जलाई गई। पहली बार बुद्धे ने जलाई, तुम पैकेट भूलने के बहाने से आए। दूसरी बार तुमने जलाई, बूढ़ा अपना लड़का बनकर आया। तीसरी बार फिर तुमने जलाई, बूढ़ा इंस्पेक्टर बनकर आया। क्योंकि मैं तुम्हें जूतों की एक सी आवाज के बारे में पहले ही पूछ चुकी थी। तुमने इशारा करके इंस्पेक्टर से जूते उतरवाए, ठीक है ना रवि भैया? तुमने दिया सलाई जलाने की जरा सी हरकत कैसे सुन ली? मेरे कान ही मेरी आंखें हैं, जरा सी आहट मेरे कानों में शोर बनकर गूंजती है। इसका मतलब है कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। अब नेकलेस चुपचाप मेरे हवाले कर दो। जी नहीं, अगर मुझे नेकलेस मिल भी जाए तो मैं आपको वापस नहीं करूंगी। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि नेकलेस की वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। वो बुढ़ाई शायद तुम्हें मार डाले ताकि उसे हिस्सा ना देना पड़े। इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम उस बुढ़े की तरह जालिम नहीं, मक्कार नहीं। अगर तुम्हारी जगह वो बुढ़ा होता ना तो मैं उसे सब कुछ ना कहती। मैं इंसान की आवाज से उसके दिल को पहचान लेती हूँ रवि भैया। मुझे विश्वास है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। भाभी, रवि, रवि तो सारी दुनिया का अंधेरा दूर करता है, लेकिन तुम कैसे रवि हो भैया, जो रवि होकर भी अंधेरे में भटक रहे हो? इस अंधेरे से निकल जाओ। बस भाभी बस, मैं आंखें होते हुए आज तक अंधा था, जिंदगी का सही रास्ता नहीं देख पाया रवि। लेकिन आज तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। उठो भैया, मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे आशीर्वाद दो भाभी, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहां से चले जाओ, लेकिन होशियार रहना। सुना है ऐसे लोग आसानी के साथ अपने जाल से निकलने नहीं देते, बल्कि जान के दुश्मन बन जाते हैं। जल्दी चल जाओ।
कौन है ये रवि भैया? कौन है ये? रवि भैया, भैया बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो कौन है ये? बोलो क्या हो रहा है मेरे घर में? ये बोलो ना तुम, कौन है ये? आराम साधे। तानिया प्लीज, खामोश हो जा। तानिया बैरी हो क्या? सुनाई नहीं देता। तानिया 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 इधर आओ, इधर आओ तानिया। तानिया चुप करो। आज ये तुम्हारा कहना नहीं मानेगा। तानिया 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 नहीं, तानिया नहीं, तानिया 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 प्लीज तानिया। तानिया कम पानी। हाँ तानिया पानी। हाँ तानिया 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 इसे मत मारो, इसमें क्या बिगड़ा है तुम्हारा? मत मारो तानिया को। तानिया मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं। तानिया बादब बामुलाइजा होशियार, जुबान नहीं खोलना वरना जहाँ पना सिकंदर आजम की सवारी आ चुकी है। अरे क्या ड्रामा हो रहा है तानिया? आई तू वाकई खुशकिस्मत है प्यारे, लेकिन खैर अब अपुन ने भी सोच लिया है, अगला जन्म होगा ना भाभी, या तो बनूंगा हीरो या फिर कुत्ता। पता नहीं भाभी, आज पिक्चर में दिल ही नहीं लगा, और वैसे भी मुझे नींद बहुत आ रही है। कहो तो यहीं सो जाऊं। हाँ भाभी कहो ना भाभी, क्या हुआ? अरे क्या बात है भाभी, आज तुमने मौन व्रत रखा है? मेरा मतलब है खामोशी का रोजा। हाँ चलो अच्छा है भाभी, बोलोगी तो झट से कोई काम बोलोगी। सिकंदर ये कर ले वो कर ले, लेकिन भाभी जहापना इस वक्त सोने के मूड में है, काम के नहीं। मूड नहीं, ओफ हो, आज हर काम उल्टा हो रहा है। भाभी चलता हूँ, सुबह जल्दी आऊंगा। गुड नाइट। जया बेटी। डैडी कैसी हो? अच्छी हूँ डैडी। राजेश घर पर है? नहीं नहीं है। हाँ है। हैं?
नहीं नहीं है, है ये क्या लगाया है? हेलो बेटी, हेलो हेलो, फोन भी कट कर दिया। रहने भी दो, ये कोई वक्त है फोन करने का? बस, वाकई तुम बहुत समझदार हो। हेलो, कौन? गलत समझी ना, तुम हमें नहीं देख सकती पर हम तुम्हें देख सकते हैं। रीटा का मर्डर हो चुका। सुनो जया, कैमरे के पास एसेट की बोतल पड़ी, वो वहाँ से हटा दे। तानिया कहीं इधर उधर गिरा न दे। आंखों में पड़ गया, आंखों में पड़ के अंधा कर दे, देर के लिए अंधा कर दे। पड़ गया, आंखों में पड़ के लिए अंधा कर दे, देर के लिए अंधा कर दे। आंखों में पड़ गया, आंखों में पड़ के लिए अंधा कर दे, देर के लिए अंधा कर दे। आंखों में पड़ गया, आंखों में पड़ के लिए अंधा कर दे, देर के लिए अंधा कर दे। क्या सोच रही हो भाभी? क्या सोच रही हो भाभी? वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। क्या सोच रही हो भाभी? क्या सोच रही हो भाभी? वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। पहले तो यहाँ नहीं था राजेश, सिकंदर लेके गया होगा। मगर ये इतना भारी क्यों? Oh.
गलत समझी, गलत समझी ना। तुम हमें नहीं देख, हमें नहीं देख सकती, पर हम तुम्हें देख, तुम्हें देख सकते हैं। इस घर के दिए तो मैं बुझाने आया था, लेकिन यहाँ तो कुंदन। पहचान ली मेरी आवाज? क्या तुम भी उन गुंडे बदमाशों के साथी हो? साथी? मेरा दर्जा क्यों घटा रही हो जया? मैं उनका साथी नहीं, मैं उनका बॉस हूं। बॉस? मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती। अब चुपचाप वो नेकलेस मेरे हवाले कर दो। नेकलेस? कैसा नेकलेस? यहां कोई नेकलेस वेकलेस नहीं है। है, इसी घर में है, और वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कुंदन, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। ये तो तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैंने इस वक्त का किस कदर फायदा उठाया है। ये तुम क्या कर रहे हो? मिट्टी का तेल इधर उधर छिड़क रहा हूँ। कुंदन, अंधेरे में तुम्हारी सूरत नजर नहीं आ रही, उजाले में देखूंगा। अब तुम झूठ किस लिए बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोलती। वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जया। वो नेकलेस मुझे दे दो। मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है। अच्छा, जो कुछ तुम्हारे घर में है वही दे दो ना। कमीने कुत्ते, तुम्हारी ये जुर्रत? छी छी छी, इतने बड़े बाप की बेटी और गालियों पे उतर आई। तुम भी तो कमीने पद पर उतर आए हो। कमीनों का तो बाप ही मैं। तुम तोते के साथ क्या कर रहे हो? वही जो बाद में तुम्हारे साथ करूंगा। तोते को क्यों जला रहे हो? ये तो मैं तुम्हें जता रहा था। मैं किस तरह तड़पा तड़पा कर बेरहमी से सांसें छीनता हूँ।
तुम्हारे हाथ क्या आएगा? ऐसी जल्दी क्या, आराम से बताऊंगा। जया, आज की रात का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया और आज की रात बहुत दिनों के बाद आई। आज की रात अपनी है, ये घर अपना है और तुम भी अपनी हो। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से कुंदन। एक बार निकल कर आज तक पछता रहा हूँ। तुमने मुझे ठुकरा दिया, शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारी एक ना ने मुझे इंसान से हैवान बना दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे गैर कानूनी काम करने पड़े। मैं शैतान बन गया हूं जया, शैतान। आज तुम्हारा ही बना हुआ ये शैतान तुम्हें माफ कैसे कर सकता है? उस कमीने ने तुमको मुझसे छीना और अब मेरा नेकलेस भी ले उड़ा। आज मैं सबसे बदला लेने वाला हूं जया। आज के बाद राजेश और तुम्हारे माँ बाप सर उठा के नहीं चल सकेंगे और दुनिया तुम्हें एक की नहीं दो की पत्नी कहेगी। कहाँ तक भागोगी जया? मर गया साला। आज मेरे जो भी आड़े आएगा उसका यही अंजाम होगा। तुम रो रही हो? मैंने अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें रोना आ रहा। ठीक है, रो लो। हाँ हाँ, रो लो, जी भर के रो लो। तुम रो रो के थक जाओगी और मैं आसानी से अपनी मनमानी करूंगा। पकड़ो पकड़ो जया, पकड़ो ना। पकड़ो जया, डरो मत, मैं हूं ना। जया मत रो, ये लो, पहुंच लो आंसू, लो पकड़ो जया, पकड़ो। पकड़ो जया। मैं हूं ना जया, रो चुकी। कुंदन, हाँ, तुम कहाँ खड़े हो? तुम्हारे सामने जान। रुक जान दी नागिन। मेरी आंखें, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा नागिन। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें, अब हम दोनों बराबर हैं, लेकिन मेरी आंखें अंधेरे की आदी हैं और तुम्हारी आंखों को अंधेरे का आदि होने में देर लगेगी, समझे? बेवकूफ, निकल जाए यहां से, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तेल मुझ पे क्यों छिड़क रही हो? जल्दी क्या है, आराम से बताऊंगी। दांत अपने हैं, घर अपना है और तुम अपने हो। अंधे नागिन, तुमने मुझे भी अपने जैसा बना दिया है। किधर हो तुम? पागल हो गए कि तुम? पागल तो तुम हो गए थे जो मुझे अंधी और मजबूर समझते थे। बस करो ये खेल, बस बस बस। तुम भी तो बहुत खेले हो मुझसे, अब मेरी बारी है, खेले और ले। जया जया, मुझे माफ कर दो जया, जया जया, मैं हाथ जोड़ दो जया, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा जया। तू अब इस काबिल ही कहां रहा? ये दिया सलाई क्यों जलाई? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, मेरी आंखों में
मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। तो क्या फिर अपनी चिता जला के उजाला करेगा? ना फेंक दे दिया सलाई। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे जला दोगी। मैं अपने घर को तो आग नहीं लगाऊंगी, फेंकता है या मैं? ये लो। अब मेरे घर की चाबियां भी इस तरफ फेंक दे, वरना जला दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, पागलपन मत कर, मैं देता हूँ। चल फेंक, ये लो जल्दी। अब तुम जाने दो, मैं हारा, तुम जीती, मुझे जाने दो। अब तो तू पुलिस की गाड़ी में ही जाएगा। वो छड़ी उठा, उठा वो छड़ी। कौन सी छड़ी? जो तेरे पैरों के पास पड़ी है, जल्दी कर। जल्दी तो कर रहा हूँ मैं, लो उठा ली। अब क्या करूँ, कहो तो अपने सर पे मार लूँ, जिसमें भेजा नहीं भूसा भरा है। आगे मत बढ़, अब वहीं खड़े रहकर फर्श पर छड़ी मारता रहे। चल ऐसे ऐसे। हाँ, ये आवाज इसी तरह आती रहनी चाहिए, और जरा सी भी होशियारी की तो याद रखना मेरे पास माचिस है। हाँ हाँ, आती रहेगी मेरी माँ। जय तुम्हारी जय हो। मैं खुद को बड़े बड़ों का बाप समझता था, और तुम तो मेरी माँ निकली माँ। जया, तुम्हें अंधा समझने वाला खुद अंधा है। तुम बहुत होशियार हो, और हर होशियार आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं भूल कर देता है जया, और तुमने भी एक भूल की है। देखो, फ्रिज की बत्ती तोड़ना भूल गई। सिकंदर! 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 सिकंदर, दरवाजा खोल! सिकंदर! सिकंदर! कोई नहीं आएगा जया, कोई नहीं आएगा। मैं जानता हूँ राजेश दिल्ली की गाड़ी से आ रहा है, मैंने उसकी गाड़ी का कांटा बदलवा दिया था, अब वो मेरे कब्जे में है। मेरी मर्जी के खिलाफ वो इस घर में आ ही नहीं सकता। तुमने राजेश को तो कुछ नहीं किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया। मैं हार गई कुंदन, अब मुझ में कुछ कहने की ताकत नहीं रही। यही प्यार से कहो। हाँ, मैं हार गई कुंदन। प्यार और आंसुओं का कोई रिश्ता नहीं। पहुंच डालो ये, और कुछ मुस्कुरा के कहो कि कुंदन मैं हार गई हूँ। कहो ना, कहो। मैं हार गई कुंदन। हाँ? तुम जीत गए। मैं हार गई कुंदन। तुम नेकलेस ले सकते हो। तो मैं देख लूंगा। नहीं कुंदन, अभी अभी तुमने मुझे माँ कहा था। अपने आप को कमीना भी तो कहा था। पर माँ, नहीं। चलो, चलो। नहीं कुंदन। चलो। नहीं। अब क्या करोगी? छोड़ दो मुझे। नहीं। छोड़ दो। सिकंदर! मिस्टर राजेश, मैं आपके घर से आ रहा हूँ। आपकी मिसेज से पता चला कि आप आखिरी ट्रेन से आने वाले हो। रीटा दम तोड़ रही है, दो तीन बार तो आपका नाम बड़बड़ा चुकी है। आप चलकर उसे देख लीजिए प्लीज, ताकि आपको देखकर उसका दम आसानी से निकल सके। प्लीज चलो। सिकंदर! नागिन, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा तुझे। Oh!
दरवाजा खोलो। अब रोना किस बात का जया, तुम तो विजेता हो। हाँ जया, इंस्पेक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी मुझे आपकी जीप से भागना पड़ा। दरअसल सुबह से ही मुझे इस गड़बड़ का अंदेशा था। इंस्पेक्टर साहब, जब तक आप मेरी बात का यकीन करते तब तक मेरी पत्नी की जान भी जा सकती थी। उस नेकलेस की वजह से जो तुम मुझे प्रेजेंट करने वाले थे, अब वो नेकलेस मैं तुम्हें प्रेजेंट करूं? नेकलेस? कहाँ है वो नेकलेस? वो राजेश के कैमरे में था, जिसका पता राजेश को भी नहीं था।
मैंने उसे छुपा कर उस घड़ी में रख दिया। ये बदमाश दिल्ली से नेकलेस चुराकर फरार हो गए थे। मिस्टर राजेश, इन मुलजिमों की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सरकार की ओर से इनाम रखा गया है। श्रीमती राजेश, मैं आपको अपनी और सरकार की तरफ से बधाई देता हूं। आज अपने भारतीय नारी का सर ऊंचा कर दिया। राजेश, चाहे तुम लाख इनकार करो, लेकिन मैं अपनी बेटी को इससे बढ़िया नेकलेस प्रेजेंट करूंगा।